ठीक है, हमारी कंट्री के ऊपर किसने रूल किया था? ब्रिटिश ने किया था। ब्रिटिश कहाँ से थे? कहाँ से थे ब्रिटिशर्स? ब्रिटेन से थे। और ब्रिटेन कहाँ पे? हाँ तो भैया अब ऐसा नहीं होना, धरती पे ही है। सुनने वही वाले थे, धरती पे। और धरती कहाँ है सर? वो क्या बोलते हैं, शेषनाग के ऊपर। ऑब्वियसली बात है ना, यही आंसर होता। ठीक है, और शेषनाग कहाँ है? शिवजी के गले में। और शिवजी कहाँ है? पार्वती जी के पास, कैलाश के ऊपर। कैलाश कहाँ है? बस अब इस तरीके से चेन बना देते थे। अब ले देखे कॉलोनीज क्या है, सुनो सिंपली बात है। कॉलोनीज वो पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे, मतलब एक तरीके से तुम ये मान लो कि बहुत सारी सोसाइटीज एक साथ रहती है। सोसाइटीज के अंदर आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स एक साथ मिलकर जो कम्युनिटी बनाएंगे, वो आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी? वो आपकी सोसाइटी बन जाएगी। कॉलोनीज का सिंपल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारे सोसाइटीज क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। अब होता क्या है, कॉलोनी आया कहाँ से? बेसिकली नॉर्मल लाइफ में तो कॉलोनी का मतलब वही होता है जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी साथ में रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लाइक इन द सेंस, आपने कभी सुना यदि कोई टीएम की ओसी देखता है तारक मेहता वाला, तो उसमें एक होता है गोकुलधाम सोसाइटी, उसके पास एक सोसाइटी होती है। ठीक है, उसके पास अलग एक सोसाइटी होती है। जब ये सारी सोसाइटी साथ में मिल जाती है तो उसको कॉलोनी बोलते हैं। सिंपल, ये समझ गए? अब यहाँ पे सुनो, अब ये कॉलोनी वर्ड आया कहाँ से? बेसिकली ये कॉलोनी जो वर्ड है, ये बेसिकली वर्ड है यूरोप का। ठीक है, बेसिकली जो ये वर्ड है यूरोप का। और यूरोपियन पीपल जब किसी दूसरे लैंड पे जाके जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे रहते हैं, तो उस लैंड एरिया को क्या बोला जाता है? कॉलोनी बोला जाता है। समझ गए? समझ गए? तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रहे, सबसे पहले इंडिया के अंदर आए, किस पर्पज से आए? वो ट्रेड पर्पज से आए। कहाँ पे? मछलीपुरम, कैलीकट। मछलीपुरम कहाँ है ये भी पढ़ना नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, ये वहां पे आके क्या रहे, ये लोग रहे। रहने के बाद क्या हुए, वहां पे लोग सेटल हुए, वहां पे उन्होंने क्या करी, सोसाइटीज बनाई। सोसाइटीज तो बनाएंगे ना यार, अब ऑब्वियसली बात है, एक आदमी थोड़ी ना आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे। उन लोगों के अंदर भी बहुत सारी कास्ट होगी, लाइक इन द सेंस अभी हमने पढ़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी देखा था, एक रोमेनिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है, कुछ अलग टाइप के होंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, कुछ इंडियन, कुछ मतलब अमेरिकन ब्रिटिशर्स होंगे, कुछ अफ्रीकन ब्रिटिशर्स होंगे, कुछ अलग टाइप के, मतलब बहुत सारे अलग अलग वेरियस टाइप के क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। तो वो अपने जैसे दूसरे को देख के क्या बनाएंगे, सोसाइटीज बनाएंगे। तो वो सारी की सारी सोसाइटीज एक जगह पे क्या होगी, उस न्यू लैंड एरिया पे क्या होगी, सेटल होगी। और जहां पे वो लोग सेटल होंगे उसी को क्या बोलेंगे, कॉलोनीज बोलेंगे। इतना डेफिनेशन क्लियर है? तो एक तरीके से जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया था, तो इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स की क्या हो गई थी, कॉलोनीज हो गई थी। अब बोलोगे सर तब तक पूरे का पूरे इंडिया पे कॉलोनीज कैसे हो गई? पूरे इंडिया पे कॉलोनी ऐसे हो गई क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वॉर करके जीत लिया था, बेसिकली सारे राजाओं को हरा दिया था। तो ले देखे उनका राज हमारे ऊपर चल रहा था, तो उनके जितने भी लोग थे वो हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। तो अब जो राज कर रहे थे वो न्यू लैंड एरिया पे कर रहे थे, और सारे के सारे पीपल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो दूसरी कंट्री से उन्होंने हम पे राज किया, और न्यू लैंड एरिया पे उनके हम पे क्या किया, उन्होंने राज किया। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या करी, कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर दी। और इसी आइडियोलॉजी को क्या बोल दिया जाता है, कॉलोनिज्म बोल दिया जाता है। ठीक है, आइजम जहां लगता है, एक सिंपल मतलब एक वापस से बता रहा हूं, आइजम जहां लगता है ना वो शो करता है कि आइडियोलॉजी किसकी आइडियोलॉजी शो करता है, बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी शो करता है। ठीक है, अब इस तरीके से पर्टिकुलर ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर राज किया था, उसी तरीके से जो आपके क्या आए थे, पोर्तुगीज आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा कहां से आया था? पोर्तुगाल का ना, तो उसको क्या बोला, पोर्तुगीज बोला जाता है। ठीक है, तो पोर्तुगीज इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने भी क्या करी, कॉलोनी स्टेब्लिश करी। ठीक है, इंडिया के अंदर कॉलोनी स्टेब्लिश करी। तो एज अ ग्लोबल लेवल ये कहा जाता है कि यूरोपियन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी कॉलोनीज क्या करी, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्टेब्लिश करी। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब फॉरेन सोसाइटी एंड कॉलोनीज, इसका मतलब क्या हुआ, किस तरीके से कॉलोनीज का मतलब क्लियर है ना, किस तरीके से कॉलोनीज ने फॉरेन सोसाइटीज के ऊपर अफेक्ट डाला, हमको ये चैप्टर में पढ़ना है। समझ गए? चैप्टर की एंडिंग समझ में आ गई ना? अब इसके अंदर क्या क्या कहानी है, एक सिंपल ब्रीफ में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी चैप्टर को पढ़ना है, बट मैं सिंपल ब्रीफ में ये बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली इसके अंदर बेसिकली आपके क्या है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडस्ट्रीज डेवलप करी, क्योंकि अब सिंपल सी बात करो, जंगल में होता क्या है, व्हाट जंगल का मीनिंग क्या होता है, जंगल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि बहुत सारे पेड़, बहुत सारे जीव जंतु, वो विभिन्न प्रकार की क्या होगी, स्पीशीज होगी। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड पर्पज से, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया।
इसी के साथ उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री डेवलप भी करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। आपने सुना ही होगा ना कि रेलवे चली थी हमारे कंट्री के अंदर, रोड्स बने थे हमारे कंट्री के अंदर, और बहुत सारे यहाँ तक के डाक सेवा के लिए आपको क्या होता है तार वाला जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ था। ये सारे के सारे सिस्टम डेवलप हुए, बट ये सिस्टम डेवलप होंगे कैसे यार, कुछ ना कुछ तो रिसोर्स चाहिए ना, हवा में थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, अब लाइक इन द सेंस यदि रेलवे की पटरी बनानी है तो कहाँ बनाओगे, हाँ 4 फुट जमीन के अंदर नहीं ना, रोड पे सामने जो आप लैंड है उसके ऊपर बनाओगे। अब लैंड के ऊपर बनाओगे तो आज के टाइम पे जो हमारा स्टेट, आज के टाइम पे जो हमारा कंट्री है और उस टाइम पे जो हमारा कंट्री है, दे आर बहुत डिफरेंट मैनर। ठीक है, बहुत ही बहुत क्या थे, अलग थे। अब बोलोगे सर अलग कैसे, भैया पहले के टाइम पे जंगल थे ना, पहले के टाइम पे उतनी पॉपुलेशन थोड़ी ना थी इंडिया की, तो जंगली जंगल होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी इंडस्ट्रीज के पर्पज से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ना जंगल काटे, ये सब किया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, उसका लोकल ट्रैवल के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ। अब तुम बोलोगे सर लोकल ट्रैवल कहाँ से घुस गए, भैया सुनो ट्रैवल किस, ट्राइब्स किसको बोला जाता है, ट्राइब्स किसको बोला जाता है ये बताओ, ट्राइब का मीनिंग मालूम है ना, किसको भी मालूम है, एड्रेस करना। हाँ ठीक है भाई समझिए, ट्राइब्स किसको बोला जाता है, ट्राइब्स एक स्पेशल टाइप की कम्युनिटीज होती है जो सिर्फ एक फिक्स्ड एरिया के अंदर ही बिलोंग करती है, और उनका कल्चर जो होता है वो सिर्फ उसी एरिया के अंदर क्या होता है, फिक्स रहता है। ठीक है ना, अब लाइक इन द सेंस तुम लोग हो, ठीक है, कोई यहाँ से बिहार का होगा, कोई यहाँ से यूपी का होगा, आज यहाँ पे एमपी में बैठा है, तो ये क्या हो, तुम बिहारी हो बट अभी कहाँ पढ़ रहे हो, एमपी में पढ़ रहे हो, फिर कहीं जाकर तुम बाहर पढ़ोगे तो तुम ट्रैवल नहीं हो, बट जो ट्रैवल होते हैं ना वो सिर्फ एक जगह ही बैठे रहते हैं, कहाँ पे जो उनका पर्टिकुलरली लैंड एरिया है उसके बाहर वो निकलते ही नहीं है, उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, तो उन टाइप की कम्युनिटीज को क्या बोला जाता है, ट्राइब बोला जाता है। अब बेसिकली अब ये सोचो कि ट्राइब लोग रहते कहाँ होंगे, ये ट्राइब लोग रहते होंगे जंगल में, ठीक है, अब सिटीज में तो नहीं रहेंगे ना यार, ठीक है ना, इतना तो दिमाग चला सकते हो ना लोकली, तो ये लोग सिटीज में नहीं रह सकते। तो बेसिकली क्या है कि जब जंगल कटेंगे तो ट्रैवल्स लोगों में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो ये ट्रैवल्स लोग किस तरीके से इंडिया में एक तरीके से क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हमको क्या क्या देखना है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये पूरे चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया, क्लियर है ना, हाँ बेटा, हाँ काट ले काट ले, ठीक है। अब भैया एक फटाफट पढ़ना चालू करो, मैं ना मेन मेन पॉइंट से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। कौन है भैया जिसकी इंग्लिश बड़ी वीक है, वो एड्रेस करो, भैया इधर एक मिनट, कॉपी किताब स्टार्ट है क्या, हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है भैया स्टार्ट, अरे स्टार्ट करो यार भैया, रीडिंग स्टार्ट करो।